श्री नारायण गुरु धर्म समाजम व श्री नारायण गुरु विद्या भवन के संयुक्त तत्वावधान में नवरात्र के पावन अवसर पर दो दिवसीय गरबे नाइट का आयोजन किया गया। इस दो दिवसीय रास गरबे में महिला प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, वही विजय प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर सभी स्थानों की तर्ज पर सेक्टर 4 SNG स्कूल प्रांगण में भी भव्यता के साथ दो दिवसीय गरबे नाइट का आयोजन किया गया। बता दें कि इस नवरात्र पर्व पर श्री नारायण गुरु धर्म समाजम व श्री नारायण गुरु विद्या भवन के संयुक्त तत्वावधान में गरबे नाइट का आयोजन स्कूल प्रांगण में किया गया। प्रथम दिवस विधिवत दीप प्रज्वलित कर आयोजन का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय गायक पीटी उल्लास ने मधुर भजन प्रस्तुत किया। महाआरती के साथ मधुर भजन गुंजायमान होता रहा। फिर समय आया गरबे नाइट के शुभारंभ का, तो रंग बिरंगी खूबसूरत पोशाकों में प्रतिभागियों ने पारंपरिक नृत्य गरबे की प्रस्तुति दी। वह द्वितीय दिवस पर मां दुर्गा की कलाकृति रंगोली के माध्यम से उकेरी गई। मंदिर परिसर के अंदर मां स्कंद माता के रूप में माता विराजमान रही। मां की आराधना कर रही महिलाओं ने स्कंद माता के रूप का वर्णन अपने शब्दों में किया। नवरात्रि का पंचमी के दिन में ये स्कंद माता का स्वरूप है, वही बना हुआ है रंगोली में स्कंद माता का। हाँ, स्कंद माता का। अच्छा, स्कंद माता तो ये पंचमी में ही बनाते हैं। हाँ, पंचमी में बनाते हैं। नव दिन में नव रूप है ना, नौ दिन में नौ रूप होते हैं। तो आज कौन से रूप में स्कंद माता? स्कंद माता का। तो किस तरह का ये वरदान देती हैं, क्या आशीर्वाद देती हैं माता? ये तो ये कार्तिक भगवान का माँ है ना, वो बच्चे लोगों के लिए, संतान के लिए। तो ये रंगोली से किसका स्वरूप तैयार किया गया, माता का कौन स्वरूप है ये? स्कंद माता। ये पंचमी में स्कंद माता की पूजा अर्चना करने से क्या फल मिलता है? वो संतान के लिए। बहरहाल दो दिवसीय गरबे नाइट में बड़ी संख्या में महिला प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, वहीं विजयी टीम और विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। यहां खास बात ये रही कि दक्षिण भारतीय केरला व्यंजन भी आकर्षण का केंद्र रहा, शामिल लोगों ने भरपूर इसका आनंद उठाया। ACN न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।